बल्ब से सूर्य निकलने से पहले मतलब दोबारा फिर ले सकते हैं। तो उस टाइम उसने मना कर दिया, जिसे पहले मेरे सिस्टर को पूछा कि मतलब तू शादी करना चाहती है या नहीं, तो उसने बोला राजी है। फिर मेरी मम्मी को पूछा तो उन्होंने बताया कि सही है तू। फिर भाई को भी पूछा था, मुकेश को, तो उसने बोला सही है। फिर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर इसने बोला कि मतलब सूर्य की किरण तेज होती है, तो मैं मतलब इस टाइम नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद पूछूंगा किसी मतलब जैसे कोई ब्राह्मण वगैरह, उसको मैं पूछूंगा, मेरी जान पहचान का है। तो उससे उसने उसने बात की थी। बात करने के बाद उसने डिसाइड किया कि 9 बजे मतलब फेर लूँगा। तो फिर 9 बजे का टाइम आया, तो उस टाइम उसने खुद ने नस काट दिया। फिर वो पूरा खून से लथपथ हो गया, बोलने लायक था नहीं। तो फिर तो पूछा था तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कितनी तारीख को कितने बजे बारात जो है गर्रा से यहाँ आई थी? 23 तारीख को शायद, 23 तारीख को यहाँ बारात आई थी, कितने बजे के आसपास यहाँ बारात आई? 12 तारीख 2 बजे, 3 बजे का लगन था। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ 3 बजे का जो लगन था वो हट गया, हाँ, वो वो कुछ तो 3 से 5 बजे तक था, तो वो निकल गया। रात शाम के 3 बजे का लगन हटने के बाद और सुबह 9 बजे के बीच में क्या क्या बातें हुई? मतलब उस दूल्हे ने क्या क्या कहा? वो दूल्हा कौन था, क्या नाम था उसका? दूल्हे का नाम था कमलेश, जो अध्यापक है। वो तो उस मतलब फेरी नहीं लिए, उसके बाद तो अंदर बैठ गया था, यहीं था। तो फिर हमने बातचीत नहीं की थी, बैठा था, चाय वगैरह पी, नाश्ता किया था। फिर जब लगन का टाइम है दोबारा 9 बजे का, उसने उस टाइम गर्दन काट ली। ऐसी भी कोई बात हुई थी कि उसने संघ को बुलाकर लोगों के बीच में ये कहा था तुम मेरे से शादी नहीं करना, इस प्रकार की कोई बात क्या? हाँ, तो पहले मतलब जैसे सूर्य की, जैसे वो उसने सूर्य की किरण निकलने से पहले शादी कर सकते हैं, मतलब किसी पंडित ने बोला था। तो उस टाइम उसने, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने पूछा क्या पता अगर ये लड़की ना दे दे तो मैं बच जाऊँ। तो हमारे परिवार वालों ने किसी ने ना नहीं दिया, कि हम सब राजी थे। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने चेंज कर दिया कि अब मैं इस लगन से नहीं, दोबारा 9:30 बजे का उस टाइम करूँगा। फिर वो वापस चले गए। बारात लेकर वापस गए, बारात आने से पहले कितनी खुशियाँ थी और जाने के बाद क्या घर के हालात रहे? बारात आने से पहले तो खुशियाँ ही थी, उसके बाद तो मातम में बदल गई, अभी तक वही हाल है। उसके बाद क्या करना होती थी? जैसे वो बारात जो है वो वापस चली गई, उसके बाद वापस फिर आनन फानन में दोबारा दूसरी जगह रिश्ता फिक्स किया। फिर वो बारात आई, ठीक है। फिर वापस में भाई, मेरा बड़ा भाई मुकेश, वो साथ में गया था। 5 तीसरे या 4थे दिन वापस आया। फिर 7 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। मुकेश ने? अच्छा, जब संगीता यहाँ आई तो उसने कुछ, आप जैसे भाई बहन हो आपस में कुछ ऐसी बात हुई या मुकेश ने ऐसा कुछ बताया कि वहाँ पर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, ऐसे कुछ बात हुई आपकी कुछ कभी? ऐसा कुछ बता नहीं, पर मतलब परेशान था से वो, मतलब वो बिंदास घूमने वाला था, तो लोगों के मतलब ते स्थाने वगैरह वो सहन नहीं कर पाए। वह यहाँ रहता था तो भी अकेले रहता था, और जाते वक्त भी बताया नहीं सुसाइड किया। जिस टाइम मतलब टांके में गिर रहा था ना, उस टाइम फोन किया था, जैसे 1 मिनट पहले किया था। तो ऐसे नहीं बताया कि किस जगह कहाँ पर है, ऐसे नहीं बताया। वहाँ बताया, फिर गांव में देखा कहीं नहीं मिला, तो फिर वहाँ देखा खेत में। तो वो घर से वो खेत कितना दूर है आपका? घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर टांके में उसका शव मिला, उसके बाद आप 2 महीने बाद उसकी आपकी बहन ने अभी सुसाइड कर लिया, तो आप इस बीच में पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? कारण क्या रहा है? कारण हम सर पापा ने बता दिया, वही कारण। और उसका जो कमलिस था उसका शादी करने का मना करने का क्या रीजन था? ये है कि गरीब है, ये इस प्रकार का कुछ? यही कारण रहा, और दूसरा कोई होगा नहीं।